संस्कृत दर्शन चैनल में आप सभी का स्वागत है। उम्मीद कर रहे हैं कि आपको हमारे वीडियो अच्छे लग रहे होंगे। और संज्ञा प्रकरण में हमने कुछ संज्ञाओं को जान लिया है, अब कुछ ही संज्ञा बची हैं। मुश्किल से दो या तीन वीडियो में सारी समाप्त हो जाएगा संज्ञा प्रकरण पूरा। फिर हम भाषा विज्ञान को लेंगे। भाषा विज्ञान इतना सरल है, परंतु वहाँ कहीं ना कहीं एक उलझाव बना दिया गया है। और यकीन मानिए, अगर भाषा विज्ञान को आपने एक बार ढंग से समझ लिया तो एक प्रश्न भी उसमें से छूटेगा नहीं। ये हमारा आपसे फिर वादा रहेगा। सभी चीज़ों में कोशिश करते हैं हम बेस समझाने की। जब तक हम बेस पर नहीं पहुंचते, हमें चीज़ें वो उलझी हुई रहती हैं। लगभग 2008 के समथिंग, जब मैं पुस्तकालय में अध्ययन करता था, ऐसे घूमने चला जाता था। उस समय में विशेष रुचि नहीं थी कि मुझे किसी क्षेत्र में ही जाना। तब मैंने भाषा विज्ञान से संबंधित लगभग 6 से 7 पुस्तकों का अध्ययन किया, और जो भी पुस्तक मिल जाती थी, मैंने जैव शास्त्रों का भी वैसे ही अध्ययन किया है। मैंने बहुत सारी पुस्तकों का अध्ययन किया है ऐसे ही। वो दौर दूसरा था जिसमें हम इसमें व्यवस्था में रहते थे। खैर, ये चलिए अब चलते हैं, हम थोड़ा संज्ञा प्रकरण के बारे में जान लेते हैं। संज्ञा प्रकरण में आज हम नदी संज्ञा के बारे में जानेंगे, ठीक है। इसमें कुछ सूत्र हैं, उनको देख लेते हैं, फिर हम आगे इसमें चर्चा कर पाएंगे। युस्त्राख्य नदी, केवल एक सूत्र इसी को बता के छोड़ देते हैं, लेकिन मैं यहां 3-4 सूत्र और लूंगा। प्रथम लिंग ग्रहणंच ये है वार्तिक, ठीक है। और एक है नेयंगवांग स्थानावस्त्री, और एक है वामी, ठीक है। अंतिम है नीति ह्रस्वश्च। ये 4 सूत्र हैं, इसमें एक वार्तिक है, इसमें कुछ अपवाद भी हैं। जैसे ये अपवाद के रूप में यहाँ प्रयोग किया गया है, मैंने इसीलिए ले लिया है क्योंकि कभी कभी अपवाद में दिमाग में बैठ नहीं पाते कि इसमें नदी संज्ञा लें या न लें। नदी संज्ञा से सिर्फ इतनी ही है, मैंने कोशिश की है जो भी संज्ञा लिए हैं, प्रकरण लिए हैं, वो सारे के सारे इसमें व्यवस्था पूरी दे दी जाए, ठीक है। तो हम इनको क्रम से एक तरफ से देखते हैं। पहला इसको देख लेते हैं, इसमें यू है, स्त्री है, आख्य और नदी, ठीक। इसकी व्याख्या इधर देख लेते हैं। यू जो शब्द बना है, ई और ऊ से मिलकर के बना है। ई का या हो जाता है, ठीक है। एक संधि एकोयनची हमने पढ़ी थी, एकोयनची का अध्ययन किया था। देखो, संधि मैंने बताया था, ये जो सूत्र दे रखे हैं, इन सूत्र में सारे व्याकरण को प्रयोग किया गया है। इसमें संधि भी है, समास भी है, कारक भी है, मतलब सभी का प्रयोग करके ये सूत्रों का निर्माण किया गया है, इसलिए इनकी संधियों को भी जानना जरूरी है। अब यू शब्द जो बना है, वो यू शब्द ई और उ इन दोनों से मिलकर बना है, ठीक है। आगे है स्त्री, नदी, इसका तात्पर्य होता है, समझ में आ रहा होगा, ई कारांत और उकारांत शब्द जो नित्य स्त्रीलिंग हो, याद रखना, स्त्री स्त्री से तात्पर्य है, नित्य स्त्रीलिंग हो, ठीक है। नदी संज्ञा है। अब स्त्रीलिंग और नदी संज्ञा किसकी होगी, ये ध्यान देना है। ईकारांत उकारांत जब भी कोई शब्द आ जाए, वो ईकारांत उकारांत पुल्लिंग हो सकते हैं, लेकिन ध्यान रखना है वो नित्य स्त्रीलिंग होने चाहिए। जैसे उदाहरण देख लेते हैं,
इसमें कुछ ज्यादा खास समझाने के लिए नहीं है, बस आपको इतना ही देखना है थोड़ा थोड़ा। इसमें देखिए नदी, नदी ई का अंत है और नित्य स्त्रीलिंग में ही प्रयोग की जाती है, इसलिए नदी शब्द जो होगा वो स्वयं नदी संज्ञक होगा। नदी संज्ञा और नदी संज्ञा में भ्रम हो जाता है, इसका याद रखना ये शब्द है ये संज्ञा है। नदी संज्ञा यानी नदी शब्द से ही ली गई है, ठीक है, कि नदी की तरह ही उसके रूप चलेंगे, इस तरह से उसकी तरह ही ये प्रयोग किए जाएंगे। अगला है तुम्हारा देखो बधू है, ये उकारांत है, उकारांत होने पर लेकिन स्त्रीलिंग है, ठीक है। अब स्त्रीलिंग है तो क्या होगा, इसकी नदी संज्ञा हो जाएगी। याद रखना है हिरस्व का प्रयोग नहीं होगा, यहाँ ना हिरस्व ये होगा ना हिरस्व, हिरस्व में पहुंच जाएंगे आगे, वो हम अगले वीडियो में जानेंगे उसके बारे में, अभी फिलहाल इतना जाना है और आगे सूत्रों में भी इसमें समझाने का प्रयास करेंगे, इसलिए मैंने सारे सूत्रों को ले लिया है, इसमें आएगा। दीर्घ ई और दीर्घ उ युक्त जो शब्द है, ई कारांत और उकारांत जो शब्द है, नित्य स्त्रीलिंग शब्द है, उनकी नदी संज्ञा हो जाती है, वो नदी की तरह चलते हैं और वधु इस तरह से ये प्रयोग किए जाते हैं। लेकिन ग्रामणी शब्द है वो नित्य स्त्रीलिंग के अंतर्गत नहीं आता है, तो ये इकारांत ही है, ठीक है, लेकिन नित्य स्त्रीलिंग के अंतर्गत नहीं आता, इसलिए इसकी नदी संज्ञा नहीं होगी। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। यू का यह तात्पर्य है, यू से ध्यान रखना है, यू स्त्राख्यौ नदी, इकारांत उकारांत शब्द। अब शब्द को यहां पीछे से लेना पड़ता है हमें आगे सूत्रों से, ठीक है ना, यहां इकारांत उकारांत शब्दों की जो शब्द नित्य स्त्रीलिंग हो उनकी नदी संज्ञा हो जाती है। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम अगले पे चलते हैं, वार्तिक पर। प्रथम लिंग ग्रहणंच, यानी कि जैसे एक उदाहरण है इसमें दे रखा है बहुश्रेयसी, ये उदाहरण दे रखा है। अब बहुश्रेयसी जो शब्द प्रयोग होता है वो अब पुल्लिंग में प्रयोग होने लगा है, ऐसा नहीं कि पहले स्त्रीलिंग में होता था पुल्लिंग में। तात्पर्य यह है कि बहु श्रेयसी यानी बहुव्रीहि, इसमें समास प्रयोग होने के बाद में, इतना याद रखना है, ठीक है। अब जो समास में जब भी कोई शब्द प्रयोग हो रहे हैं उसका लिंग परिवर्तित हो गया है, लिंग बदल गया है, तो उसमें क्या होगा, जो पहले से उसमें लिंग था उसको देखना होगा, तभी देखा ना। प्रथम लिंग ग्रहणंच यानी पहले बार लिंग को ग्रहण किया जाएगा यहां पर और उसकी भी नदी संज्ञा हो जाएगी। ये पुल्लिंग शब्द होने के बावजूद भी, अब इसके लिए तो शब्दकोश बहुत अच्छे से आना चाहिए, हम केवल यहां सूत्रों का अध्ययन कर रहे हैं, मैंने बताया था हम शब्दकोशों के बारे में जानेंगे, लेकिन समय की समस्या है, धीमे 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 आएगा, इतनी जल्दी यहां पर कुछ भी नहीं हो सकता। हाँ, लेकिन जो पीछे आने वाली पीढ़ी है वो जब हमारे इन वीडियो को देखेगी तो उनके लिए उपलब्ध होंगी सारी चीजें, वो एक साथ से अध्ययन उनका कर सकते हैं, लेकिन हमारे साथ साथ अध्ययन करने वालों को, मेरे साथ अध्ययन करने वालों को बड़ी समस्या हो रही है, और मैं उनके लिए क्षमा प्रार्थी हूं कि मैं एक साथ पर डे प्रतिदिन मैं व्यवस्था को नहीं दे पा रहा हूं, क्योंकि समय का अभाव है, सबसे बड़ा है समय का अभाव। तो यहां जो बहुश्रेयसी, अब इसके शब्द को हमको जानना हुआ तो उसके लिए शब्दकोश में, शब्दकोश कैसे जानेंगे, शब्दकोश जानने के लिए लिंगानुशासन है, मैंने बताया था आपको, उसका हम अध्ययन करेंगे, बहुत अच्छा है, जब उसका अध्ययन करेंगे तो बातें साफ होती चली जाएंगी। हालांकि उसमें भी थोड़ा सा दे रखा है, तुम्हारे इसमें अष्टाध्यायी में भी दे रखा है, लेकिन पूर्ण रूप से नहीं है, और अमरकोश उसका नाम ही शब्द लिंगानुशासन में ऐसी है उसका नाम, उसमें भी पूरा डिटेल में दे रखा है। तो यहां बहुश्रेयसी जो शब्द है वो पुल्लिंग का है, लेकिन श्रेयसी जो शब्द है केवल श्रेयसी वो किसका है, स्त्रीलिंग का है, प्रथम लिंग यानी पहले वो स्त्रीलिंग का था, लेकिन जैसे ही वो समास के साथ प्रयुक्त हुआ वो किसमें परिवर्तित हो गया, वो पुल्लिंग में परिवर्तित हो गया। इसलिए इस पुल्लिंग शब्द के होने के बावजूद भी देखिए यहां पर नहीं हुआ ये ग्रामीणी का नदी संज्ञा, इसकी नदी संज्ञा हो जाएगी, याद रखना इसकी नदी संज्ञा हो जाएगी, इसको नहीं भूलना है, क्योंकि ये कभी कभी आ जाएगा और ये दिमाग में नहीं बैठ पाएगा सही से, तो दुविधा में चीजें खो जाती हैं, तो इसका इसलिए मैंने वार्तिक भी ले लिया। चलिए अब हम इसको थोड़ा सा मिटाएंगे, फिर इसके बारे में थोड़ा जानते हैं।
देखिए ना यंग वंग स्थान व स्त्री, ये कह रहा है कि ना, इसको मिटा दें। ये उम्मीद है संज्ञा ही यह होगा। ना यंग वंग अस्त्री, ठीक है, थोड़ा ध्यान देंगे तो समझ में आ जाएगा। ना से मतलब नहीं है, ठीक है। यंग और वंग ये जब दो आदेश हो जाते हैं, याद रखना, यंग और वंग जब आदेश हो जाएंगे स्त्रीलिंग वाले शब्दों में, तो अस्त्री यानी स्त्री शब्द को छोड़कर, स्त्री एक शब्द है, अस्त्री से वहां नदी से नदी संज्ञा होगी, लेकिन नदी और नदी में भ्रम पैदा हो जाता था, ऐसी अस्त्री स्त्रीलिंग से शब्द प्रयोग नहीं किया जा रहा, स्त्री एक शब्द है, ठीक है ना। स्त्री के जो शब्द रूप चलते हैं उनको छोड़ करके, ठीक है, नदी संज्ञा नहीं होती है किसी की भी। जैसे हे श्री है, ठीक है। अब ये यंग आदेश हुआ है, इसमें वो यंग आदेश एक विसर्ग के रूप में यहां मौजूद हो गया है, या आगे अध्ययन करेंगे तो इसमें शब्द कोश में पता चल जाएगा, लेकिन इतना याद रखना है ये पूरा जो है वो यंग के रूप में है और इसकी नदी संज्ञा नहीं होगी। हमें पता है कि श्री, हे श्री, श्री स्त्रीलिंग में है लेकिन इसकी नदी संज्ञा नहीं होगी, ठीक है। चलिए ऐसे ही है, हे भ्रू, भ्रू की भी नदी संज्ञा नहीं होगी। ये दोनों हमने देख लिए, हे श्री और हे भ्रू। याद रखना स्त्री शब्द को छोड़ करके जो भी स्त्रीलिंग शब्द है यदि उनमें यंग और वंग आदेश होता है, यंग और वंग आदेश कैसे होता है वो हम शब्दकोश के बारे में बाद में जानेंगे। बस इतनी सी छोटी सी बात याद रखना, इसके उदाहरण जो कि त्यों आ जाते हैं, इसमें कहीं भी कोई भी दुविधा की बात नहीं है। बस आपको हे श्री और हे भ्रू के रूप में याद करना है, या थोड़ा सा ध्यान रखिए लगभग उन शब्दों में विसर्ग जिसमें आ जाए स्त्रीलिंग में, तो वो सब इसके अंतर्गत आने आ जाते हैं, ठीक है। चलिए अब हम थोड़ा सा इस पे देख लेते हैं। ऐसे ही ये है वा और आमी, तो आमी से है आम और वा से मतलब है विकल्प। अब यहां पर इसके मना कर दिया था, लेकिन यहां पर कह रहा है कि वो आम यदि में प्रयोग किया जाए, ठीक है ना, आम किसमें प्रयोग किया जाता है, रामायणाम वगैरह जो श्रीयाम विरियाम जो होते हैं, जो रूप चलते हैं उसमें यदि ये प्रयोग किया जाए, ये जो शब्द हैं वो विकल्प से क्या हो जाते हैं, स्त्रीलिंग हो जाते हैं। वही उदाहरण है इसमें श्रीयाम का और विरियाम का, ये दो ही उदाहरण है इसमें, ठीक है। तो ये उम्मीद है समझ में आ गई होंगी दोनों, इसमें इसीलिए मैंने ले लिए थे इसमें, हालांकि ये लेना नहीं चाहिए था मुझे, क्योंकि ये थोड़ा सा विस्तृत विषय है, मिस्त्री विषय को छोड़ देना चाहिए, लेकिन थोड़ा सा इसमें समझाना जरूर समझा मैंने। मुख्य हमारा क्या है, मुख्य हमारा ये युस्त्राख्यम नदी और प्रथम लिंग गणंच, बस ये मुख्य है। इसके बारे में भी थोड़ा सा देख लेते हैं, चलिए मिटा लेते हैं इसे। ये है नित विभक्ति में ह्रस्वश्च, ह्रस्वश्च का मतलब क्या है, ह्रस्वश्च इसको थोड़ा सा देख लेते हैं। निति ह्रस्व अच्छा, ये तीन चीजें हैं इसमें, ठीक है। इसमें आपको समझ में आ गया होगा आम जिसमें लगा हो, आम जैसे स्त्री आम होता है, स्त्री आम होता है, इस तरह से जो प्रयोग किए जाते हैं वो उसकी विकल्प से होती है, ठीक है। संज्ञा कौन सी, नदी संज्ञा। इसमें जो कह रहा है इसमें चतुर्थ से लेकर के चतुर्थ पंचम षष्ठ और सप्तम, ये चार विभक्तियों को लिया गया है, इसमें लिया गया है ङे ङसि ङसि और ङि, ठीक है, ये लिए गए हैं चार विभक्तियां। ये जब भी प्रयोग किए जाएं किसमें, ह्रस्व में,
अब यहां पर ह्रस्व से तात्पर्य क्या है थोड़ा सा जान लें। यहां पर हमने पढ़ा था ई और उ, ये दो अध्ययन किए थे, यानी ईकारांत और उकारांत शब्दों में नित्य स्त्रीलिंग के साथ में नदी संज्ञा हो जाती है। लेकिन यहां ह्रस्व, कुछ शब्द स्त्रीलिंग में ह्रस्व भी होते हैं, याद रखना है, ठीक है। ह्रस्व अगर आ जाए, यानी कि ई और उ अगर ये आ जाए तो उसमें क्या हो जाता है, याद रख दूंगा, ई और उ इसके साथ में भी इन चारों में ह्रस्व में, ह्रस्व एकार जो शब्द होते थे नित्य स्त्रीलिंग वाले, उनकी नदी संज्ञा नहीं होती थी। लेकिन नीति ह्रस्वश्च इस सूत्र के द्वारा ह्रस्व इकार और ह्रस्व उकार युक्त नित्य स्त्रीलिंग शब्दों की भी यहां चार, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी और सप्तमी के एक वचन में क्या कर दिया है, विकल्प से नदी संज्ञा कर दी गई है, ठीक है। क्या कर दी है, नदी संज्ञा कर दी गई है। चार से क्या मतलब है, चार एक जो है समूह के रूप में प्रयोग किया गया है, अर्थात इकारांत उकारांत ये सारे जो ई है इनको समूह के रूप में यहां प्रयोग किया गया है, और कुछ नहीं है इसका। जैसे मति शब्द है, मति शब्द का क्या है, यहां इकारांत है, ये इकारांत होने से ये इसमें, जब हम चतुर्थी और पंचमी षष्ठी सप्तमी का अध्ययन करते हैं तो पता चलता है कि इसके दो दो रूप हो जाते हैं, ठीक है। अब दो दो रूप जो होते हैं वो इसके द्वारा, एक इसके द्वारा यानी कि उसकी विकल्प से नदी संज्ञा होती है, और हम आगे पढ़ेंगे तो घी संज्ञा होती है, दो होती है इसके, ठीक है। चलिए एक उदाहरण और देखेंगे इसमें थोड़ा सा, देखो मति शब्द जब चलेगा तो इसके हमने देखा होगा, एक तरह से देख लेते हैं, है ना, मत्यई और मतई ये दो रूप होते हैं। ये वाला जो रूप होता है नद्यई, यानी नदी, याद रखना इस वाले जो रूप हैं, ये पहले वाले रूप होंगे नदी की तरफ रूप चलेंगे, उनकी नदी संज्ञा होगी। लेकिन जैसे ही हम इसमें पहुंच जाएंगे हरि की तरफ रूप चल रहे हैं, हरे, ठीक है, तो इसकी क्या हो जाएगी, घी संज्ञा हो जाएगी। क्या हो जाएगी, वो हम आगे आने वाले समय में इसके बारे में जानेंगे। अब ऐसे ही है धैनु, धैनु शब्द में भी इसी की तरह चलेंगे, धैनवय और धैनवय ना, गुरु की तरह गुरु, इस तरह से ये रूप चलते हैं। तो इन दोनों की विकल्प से चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी और सप्तमी के एक वचन में विकल्प से नदी संज्ञा होती है, और पक्ष में क्या होती है, घी संज्ञा होती है। उम्मीद है समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, नमस्कार, जय हिंद।